नेक्स्ट मटेरियल जिसको हमने स्टडी करना है वो है डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। एक इंसुलेटर है वैसे तो, उसके अंदर चार्ज स्टे करेगा लेकिन वो कंडक्ट नहीं करेगा, चार्ज उस पर मूव नहीं कर सकता। ठीक, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम तो कैपेसिटर बना रहे थे। अब एक साइंटिस्ट आया, वो कहता जी एक ऐसा कैपेसिटर पेश करूंगा, होगा इतना सा, तुम उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल देना, जैसे माइका की शीट डाल देना या कोई ऐसा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देना जिसमें उसकी कैपेसिटी उसी जगह में मैं 80 टाइम्स 100 टाइम्स कर दूंगा। आपको उसका डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है कैपेसिटर की, बस वो मटेरियल डाल देना डाइइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी उसी छोटी जगह में 100 गुना बड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा क्या है डाइइलेक्ट्रिक में, पहले वो समझना पड़ेगा कि डाइइलेक्ट्रिक काम कैसे करता है और फिर समझना पड़ेगा कि कैपेसिटी बढ़ती कैसे है। तो अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं इसके बाद वो है, फिर से एक कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ लेकिन बीच में कंडक्टिंग स्लैब नहीं, बीच में डालूंगा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले मेरे को जैसे कंडक्टर की प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी लास्ट टाइम, ऐसी मुझे क्या सिखानी पड़ेगी, डाइइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो जब डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी आएगी तभी तो इसको यूज कर पाओगे। तो फिर पहला मटीरियल क्या है, डाइइलेक्ट्रिक्स। तो डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल कुछ नहीं है, इंसुलेटर है जिसके अंदर जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये बताया मैंने। अब कोई भी डाइइलेक्ट्रिक है या नहीं है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एटम दो किस्म के हैं, या तो पोलर है या नॉन पोलर है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी दो किस्म के हैं, या पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक, तो पोलर नॉन पोलर होते क्या है, पोलर नॉन पोलर मतलब केमिस्ट्री तो नहीं खोलूंगा मैं, तो इसको ऐसे समझाता हूं। सपोज करो एक स्टूडेंट आया, वो कहता देखो जी मेरे पास एक एटम है, मैं लेके आया हूं, देखो सर एटम है। मैंने कहा दिखा, वो कहता देखो बिल्कुल गोल पड़ा है, बिल्कुल गोल एटम है, गोल ही होते हैं एटम तो यार। उसने कहा नहीं खास बात है। मैंने कहा क्या, कहते देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा वो तो सभी में होते हैं। वो कहता नहीं और भी खास बात है, इमेजिन करो एक एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर यहाँ पे है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसके आसपास कि उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी जहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर पड़ा हुआ है। इमेजिन करना है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड करता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम मानता हूं जहां प्लस है वहीं माइनस है, इमेजिन कर लेता हूं। तो कहता है इस एटम को हम बोलते हैं नॉन पोलर है। तो मैंने कहा फिर पोलर क्या होते हैं, वो कहता देखो बाय बर्थ नेचर से ही, मतलब बाय बर्थ नेचर से ही, मैंने नहीं किया, एक और एटम लेके आया हूं, देखो इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ना स्ट्रेच्ड है, आपके सामने गोल नहीं है ये, क्योंकि इसमें पॉजिटिव यहां पे है तो इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा साइड पे है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ दूरी है तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है यार, ये तो नेचर है ना, किसी का एटम बाय नेचर पोलर है और किसी का नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, वो कहता सर आप ये पोलर जो एटम है उसको उठा के देखो। मैंने उठाया और मैंने उठा के उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते ही क्या हुआ, वो स्ट्रेच हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव ने इस प्लस को खींच लिया और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींच लिया। तो जो ये स्टूडेंट कहता था कि ये तो नॉन पोलर है, मैंने उसको जबरदस्ती क्या बना दिया, पोलर। अब कहता था आपने जो नॉन पोलर को पोलर बना दिया, कैसे, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने कहा एक काम करो, एक और एटम पकड़ो, अब ये तो ऑलरेडी पोलर दे रहा हूं मैं आपको। मैंने उठा के पोलर को भी यहां फेंक दिया, वो और स्ट्रेच हो गया, वो तो बाय बर्थ पहले ही पोलर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते ही वो और पोलर हो गया। तो अब वो और पोलर हो गया क्योंकि और स्ट्रेच हो गया, यानी कि चाहे आपका डाइइलेक्ट्रिक का एटम पोलर है या नॉन पोलर है, आप उसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं उसकी स्ट्रेचिंग होनी ही है और वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पोलर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इस प्रोसेस को जब किसी भी एटम को स्ट्रेच करवा दिया जाता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब एटम का स्ट्रेच हो जाना जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये स्टेप समझ में आ रहा है पोलराइजेशन क्या होती है. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया, पोलर एंड नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक बता दिया. मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पोलर. केमिस्ट्री खोल के मेरे को दिखाना ही नहीं, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं है, बस एटम बताना था, मैंने बता दिया, चाहिए ही नहीं मेरे को कुछ भी. अब आगे डिस्कस करते हैं. तो पोलर नॉन पोलर क्लियर हो गया.